नवरात्रि के दिनों में छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक हर जगह गरबा की धूम है, मगर इस बार का गरबा भक्ति और नाच के लिए कम, छोटे छोटे वजह की विवादों की वजह से ज्यादा खबरों में जगह पा रहा है। पहले हिंदूवादी संगठनों ने गरबा शुरू होने से पहले माहौल बनाया कि गैर हिंदू लोग गरबे से दूर रहें, मगर अब जब गरबा शुरू हो गया है तो उन लोगों को बाहर खोज खोज कर निकाला जा रहा है जिनको आयोजक गरबे में आने देना नहीं चाहते। देखिए इतने विवाद क्यों हो रहे हैं इस बार के गरबा आयोजन में। गरबे में रास पर अश्लीलता का दाग, मान्यताओं को मनोरंजन मनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नारेबाजी कर रहे ये लोग गरबे के नाम पर जगह जगह हो रही फूहड़पन से गुस्साए हुए हैं। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, हर तरफ से विरोधी सुर उठ रहे हैं। विरोध इस बात का कि कोई नाम बदल कर गरबा देखने जा रहा है तो कोई अश्लील गानों पर नाच रहा है। उज्जैन के पाणिया खेड़ी पर गरबा पंडाल में हिंदू जागरण मंच ने एक युवक को पकड़ा जिसने अपना नाम पहले राहुल बताया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो आधार कार्ड मांगा गया और पता चला कि उसका असली नाम फिरोज है। इतना ही नहीं, तलाशी करने पर युवक की जेब से आपत्तिजनक सामान भी मिला है जिसके बाद इस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इधर इंदौर में भी गरबा पंडाल में हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को पकड़ा। जब कार्यकर्ताओं ने युवक से नाम पूछा तो उसने पहले पंकज बताया। इसके बाद उसका आधार मांगने पर युवक का असली नाम सामने आया। युवक का असली नाम असीम बताया जा रहा है। क्या नाम है तेरा? असीम। तो कहाँ से आया तू? देवास से। काहे के लिए आया यहाँ पे? मेरे दोस्त लोग लाए गरबा खेलने। असीम की तलाशी करने पर उसके मोबाइल से अश्लील चैट मिली है, साथ ही युवती को ब्लैकमेल करने वाले मैसेजेस भी। फिलहाल युवक को लसूड़िया पुलिस के हवाले कर दिया गया है। राजनांदगांव में लोग देवी मां की वेशभूषा पहन कर आ रहे हैं और अश्लील डांस कर रहे हैं। इन्हें देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लोग नवरात्र के गरबे में पहुंचे हैं या फिर स्कूल के फैंसी ड्रेस कार्यक्रम में। मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और आयोजन को बंद करने की मांग उठाई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा, साथ ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे देवी देवताओं के साथ जो स्वरूप बनाकर, जो वेशभूषा पहनकर जिस प्रकार से अभद्रपूर्ण नृत्य किया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध स्वरूप यहाँ आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए हैं। और ये इस प्रकार का जो आयोजन, इस प्रकार का जो गरबा नृत्य है, उसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा। बिलासपुर में तो गरबा में अश्लील गाना बजाने को लेकर विरोध हुआ। मामला सीपत एनटीपीसी कॉलोनी का है जहां सर्व हिंदू समाज के लोगों ने आयोजन करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। भावनाओं को काफी ठोस पहुंची है, काफी आहत हुए हैं सर्व हिंदू समाज की ओर से लोग। काफी संख्या में हम लोग आज ये थाना सीपत आकर उनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराए कि जो भी आयोजन करता है, जो भी नवरात्र पर्व पर अश्लीलता और फूहड़ता मचा रहे हैं, इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए, अन्यथा हिंदू समाज इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। एक तरफ देश भर में गरबे की खूब धूम है, लोग सज सवर कर गरबा करने पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां लोग अश्लीलता फैलाने से भी परहेज नहीं कर रहे। इनमें खास तौर पर नाम बदल कर जाने वाले लोगों पर आपत्ति जताई जा रही है। कई संगठनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई न होने पर आंदोलन के साथ खुद ही मामले को हैंडल करने की चेतावनी तक दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इसके रोकथाम के लिए आगे क्या ठोस कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल गरबे का इंतजार लोग साल भर करते हैं, मगर ऐसे आयोजन में ये छोटे छोटे विवाद इस बड़े आयोजन की, धार्मिक आयोजन की गरिमा घटाते हैं। इसलिए आयोजकों को इन सब से बचना चाहिए।